के टेंशन ले यार, ले पी ले ठंड पी ले। हूं यार के निराश है, सुबह फ्रिज दी जल्दी सुबह राय दे मुके देखो चिल करो ठंड ठेक मेंडा दाल ठो। तो जेतपुर रोड अभी बंद रही है, अभी तो बहुत ही खराब हालत है, देखो कैसे मिट्टी उड़ रही है। हेलो गाइस, सारे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो आप सभी का स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हमें मोरबी के अंदर, दो दिन में ब्लॉग नहीं डाल पाया, शायद एक दिन तो डाल दिया था क्योंकि इधर नेटवर्क इशू था इसलिए। तो अभी हम लोडिंग करने के लिए आए हैं, मिट्टी तो खाली कर दी, मुशक्कत से खाली हुई है क्योंकि मुश्किल से ही खाली हो पाई थी क्योंकि सैंपल फेल कर दिया था, फिर खाली तो हो गई। कोई नहीं, अभी हमें मोरबी के अंदर टाइल लोड कर रहे हैं, और टाइल लोड कर रहे हैं कहाँ का वो आपको बताएंगे आगे, और क्या भाड़ा लगा है वो भी बताएंगे। मोरबी से भाड़े में कुछ सुधार हुआ है, 2-3 रुपए का हर जगह का ही हुआ है। तो दोस्तों अभी हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी लगा दिया पॉइंट पे, ये फैक्ट्री है सामने दिख रही होगी आपको, गाड़ी पॉइंट पे चाय पीने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइल लोडिंग हो रही है पॉइंट पे गाड़ी, तो मैं तो अंदर था, इतना लोड हो चुका है गाड़ी साइन कर रहा था। तो एक फैक्ट्री और है यहाँ से, इतना ही लोड है, ये देखो उससे होता है टाइल लोडिंग। तो हम उड़ीसा का लोड कर रहे हैं, उड़ीसा आप जान चुके हो स्टेट है उड़ीसा, वहाँ का लोड कर रहे हैं। देखो वहाँ भी लोड हो रहा है, ये कंटेनर भी होते हैं, ऐसे लोड विदेश जाता है माल, इस कंटेनर में यहाँ से जाएगा मुंद्रा पोर्ट पे, पोर्ट से जहाज में विदेश जाएगा ये। तो ये होता है इंडिया के अंदर जो मतलब इन गाड़ियों से होता है, और विदेश में कंटेनर से होता है आयात निर्यात। ये ऑयल का, ये देखो फैक्ट्री पीछे आप देख सकते हो कैसे लगी हुई है, कैसे बन रही है टाइल, बहुत बड़ी फैक्ट्री आप देख पा रहे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो एक फैक्ट्री से गाड़ी लोड हो चुकी है, तो ज़्यादातर माल यहीं से था, 30 टन के करीब आ चुका है। अभी दूसरी फैक्ट्री में है 12 टन माल, तो मैं आपको पीछे से बता देता हूँ कितना माल बाकी रह गया। ये देखिए थोड़ा ही रहा है एक बारी से पीछे पीछे, तो ज़्यादातर 30 टन यहाँ से हैं। ये फैक्ट्री थी लोविंग। तो जेतपुर रोड अभी बंद रही है, अभी तो बहुत ही खराब हालत है, देखो कैसे मिट्टी हो, नंबर 3 नंबर में गाड़ी चल रही है। अभी हमारा 12 टन माल बाकी है, तो लगभग लोड ही है, तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा, सीखना है तो भाई धीरे ही जाना पड़ेगा। तो जा रहे हैं दूसरी फैक्ट्री में, देखते हैं लोड हो पाती है या नहीं, जाके पता चलेगा, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे हो शाम हो चुकी है, हम दूसरी फैक्ट्री में आ चुके हैं, दूसरी फैक्ट्री का नाम है अबोर्ड। इसमें देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं लोडिंग के लिए, तो इसमें सर्वे डाउन चल रहा है, नहीं तो लोड हो जाती है। अभी सुबह ही लोड होगी गाड़ी, तो क्या करें, निराश हो गए थोड़ा बहुत, क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हो इतनी गाड़ियां, मतलब कंटेनर है ये, जो कंटेनर जाते हैं इधर अपने मुंद्रा पोर्ट, वो गाड़ियां जा रहा है। टेंशन ले यार, ले पी ले ठंड पी ले। हूं यार के निराश है, सुबह फ्रिज दी जल्दी सुबह राय दे मुके ठेको चिल करो ठंड ठेको मेंडा दाल ठोको ठंडा पियो ठीक ले वो कह जे भाई डायलॉग है ही के मेंडो गाड़ी रुकाई तो दोस्तों लोड तो नहीं होगा, फाइनल हो गया है। तो देखो सामने चाचा तो अपना खाना बना रहे हैं, अपनी बीकानेर की गाड़ी है, तो हमारा पीछे खड़ा हो दिख रहा है इन गाड़ियों की, ये सारी लोडिंग वाली है, एक गाड़ी ये पाउडर वाली और सारी लोडिंग वाली है। तो सुबह ही होगा लोड, तो उधर ऑफिस है, नया ऑफिस बनाए, तो अभी पीछे खड़ा किया है, ये रात में हो जाएगी लोड, सुबह होगा लोड अपना,
तो यार क्या करें, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, क्या इलाज है। कोशिश करेंगे, झगड़ेंगे बड़ा बढ़ाने का। बोल तो रहा है बढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो पता नहीं है। तो आपको बताया था कि कितनी रह गई गाड़ी, तो सुबह ही होगा लोड, तो और देखते हैं बड़ा बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। तो दोस्तों आज आपने देख ही लिया, तो गाड़ी लोड नहीं हो पाई। तो दोस्तों अभी आज के लिए गुड नाइट, तो मिलते हैं सुबह नई शुरुआत के साथ, नई वीडियो के साथ। तो बने रहे सुबह, हम मतलब भाड़ा भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, और यहाँ से कितना माल बाकी है वो लोड करेंगे। तो यहाँ से लोड करके फिर सीधा उड़ीसा की तरफ निकलेंगे। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में।